नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल हमें जिला देवरिया और दोस्तों पकड़ी बाजार के पास एक मनियरा गांव है, वहां से हम लोग को आया है। तो हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप चलिए चल के देखते हैं कौन सा स्नेक है। तब तक लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जो कि दोस्तों हमारे गाँव से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा इनका रहने का व्यवस्था है, खाने पीने का चीज़ें रखते हैं इसमें। तो इसी के अंदर आकर के सांप छुप गया है चूहा की तलाश में। दोस्तों इनका पसंदीदा भोजन चूहा होता है और उन्हें खाते खाने की तलाश में हमारे और आपके घर प्रवेश करते हैं। तो आप लोग सावधान रहें, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। दोस्तों आप लोग हमेशा सतर्क रहें और अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक सांप है। इसलिए इंतजार करनी समाप्त हुई, चलते हैं इसको रेस्क्यू करते हैं और बाहर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों आपको दिखाते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों आप कभी भी वीडियो को देख के कॉपी नहीं कीजिएगा वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए थे और भयभीत थे, तो इसे रिसीव किया हमने और ले चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाते हैं आपको और इनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों आप कोई सांप कभी भी अंदर खरीदा है तो आप मारिए ना, हमारे वीडियो में हमारा नंबर है, हमें कॉल कीजिए। और दोस्तों सांपों को नहीं मारना चाहिए, दोस्तों पता नहीं होता है कौन मारने वाला कौन बचाने वाला होता है। तो दोस्तों मारने से बड़ा बचाने वाला होता है, और दोस्तों हम और आप नहीं इन्हें बचाएंगे तो दोस्तों इन्हें कौन बचाएगा। दोस्तों इनको मालिक ने सबको बनाया है, आपको हमको इनको सबको बनाया है। तो दोस्तों हमें कुछ मदद करना चाहिए इन लोगों का। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं सांप को देखने के लिए और दोस्तों काफ़ी दूर से भी आए हैं इन्हें रेस्क्यू करने के लिए, इनके जान बचाने के लिए। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक सांप है ये। और दोस्तों इसी को इंडियन स्पेटल कोबरा और कहीं पे कटार तो कहीं पे नाजा तो कहीं पे पलटू तो कहीं पे नाक तो कहीं पे खरगोश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी खतरनाक सांप होते हैं। दोस्तों हमारे भारत में इसे गेहूं के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, इनसे सावधान रहें। और दोस्तों सांपों का निकलना इस समय लाजमी है, बरसात का मौसम है तो सांपों का निकलना इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों इनका निकलना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों इस समय बरसात का मौसम है तो इस समय सांपों का निकलना लाजमी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक सांप है। दोस्तों कहीं पर पलटू तो कहीं पर नाजा तो कहीं पर पिटार तो कहीं पर पलटू तो कहीं पर नाग के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों अपने भारत में एक ऐसा ही सांप पाया जाता है, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। और दोस्तों इन्हें छेड़छाड़ होता है तभी ये काटते हैं, तो आप लोग इनसे सावधान रहें और अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई रखें। दोस्तों रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर चलें और दोस्तों जो भी आपका घर कच्ची है उसको पक्की बनवाने का व्यवस्था करें। दोस्तों कच्ची घर में ये बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और उनके अंदर आराम से रह जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। तो दोस्तों कभी भी आपको सांप काट दे रहा है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों एक एंटीविनम में ही ऐसा दवा और इंजेक्शन है कि जिससे आपकी जान सांप के काटा बच सकता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा भी विलम्ब न करें और थोड़ा सा भी लापरवाही न करें, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। दोस्तों तंत्र मंत्र के और विद्या के चक्कर में पड़ने से लोगों को अक्सर जाने जाते रहते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है जिसे लोगों को सांप काटा हुआ जहरीला सांप काट दे और बच जाए आदमी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और अपना एंटीविनम इंजेक्शन लगवाएं। दोस्तों वही एक ऐसा चीज़ है कि जिससे आपकी जान बच सकती है। तो दोस्तों चलिए इसे पैक करते हैं, ले चलते हैं किसी दूर जंगल में, इसे रिलीज करें। और दोस्तों तो दोस्तों वीडियो देख कॉपी नहीं कीजिएगा वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों
ये हमारा काम 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है काम करने का दोस्तों, फिर भी पूरे सेफ्टी के साथ हम ये काम करते हैं। मर्द तक जाते हैं इन्हें बचाने के लिए, इन बेईमानों को बचाने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये काम वही कर सकता है जो इसके बारे में एक्सपर्ट है और इनको समझ सकता है, तो वही ये सब काम कर सकता है दोस्तों, बाकी लोग नहीं कर सकते। किसी को करने का अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है और बाकी लोग नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें इस डिले में पहले से ऑलरेडी इसमें छेदा बनाया जाता है, इसमें हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहे। और दोस्तों इन्हें बचाने का हमारा पूरा प्रयास जारी है और आप लोग भी इन्हें बचाएं, मारे नहीं। तो आप हमारे वीडियो में, हमारा नंबर है, आप हमें कॉल। तो दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और दोस्तों बहुत ही नेक दिल के हैं लोग दोस्तों, सांपों को मारते नहीं बल्कि बचाने का काम करते हैं दोस्तों। आप लोग भी बचाएं, इन्हें मारे नहीं। वीडियो में हमारा नंबर है, आप हमें कॉल करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और दोस्तों काफ़ी देर से लोग सांप को घेरे हुए थे और मारने वाला काम नहीं कर किए, मतलब उसको मारे ही नहीं। चलिए मिलते हैं किसी ने वीडियो में, आज के लिए मिलते हैं किसी ने वीडियो में।